Bismillahir Rahmanir Rahim, students. This is Pakistan Studies, Grade 10, Chapter Number 2, Pakistan and World Affairs. The topic is Pakistan's Bond Policy, in page number 43 and 44, lecture number 27. So, here we will be discussing the objectives of Pakistan's Bond Policy. So, that is ideological protection national integrity and security and economic development so these three are the major objectives of pakistan porn policy so we will discuss foreign policy so porn policy is a set of principles set by a state in order to secure the supreme interests of its citizen at regional and global level इसकाल, पॉलिसी क्या होता है खारजा पॉलिसी होती क्या है एक ऐसे मजमुआ का जो कि एक रियासत सेट करती है रखती है अपने सामने इन ऑर्डर टू सिक्योर इसलिए कि वो तहफुज दे सके जो सुप्रीम इंटरेस्ट है जो मफाद हैं अपने शहरियों के सिटीजन एट रीजनल इलाकाई सता पे एन ग्लोबल लेवल और आलमी सता पे ये क्या कहलाता है खारिजा पॉलिसी कहलाती है सो ऐसा मजमुलों का जो कि एक रियासत सेट करती है इस मकसद के लिए कि वो अपने शहरीओ के हकूक का तहफ़ किया जा सके दोनों इलाकाई सता पे और आलमी सता पे ये क्या कहलाती है ये कहलाती है खारिजा

फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी बाकी मानदा जो दुनिया होती है एंड मीट इट्स ओन इकोनॉमिक नीड्स और कभी अपनी माशी जो जरूरिया है उसको अकेले पूरा नहीं कर सकती और रिक्वायरमेंट्स और जो भी उसे चाहिए होता है उन जरूरियात को पूरा अकेले नहीं कर सकती सो इट इस कंट्री पॉलिसी ये एक मुल्क की खारजा पॉलिसी होती है द डिटर्म द काइंड ऑफ रिलेशन इट व जो कि वो चाहता है कि कायम करे टू इस्टेब्लिश विद अदर इन द इंटरनेशनल कम्यूनिटी दूसरे ममालिक के साथ बिरादरी में सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पैरा लेट्स डिस्कस इट कोई भी मुल्क जो दुनिया में है वो अकेले अपने तमाम तर जरूरियात पूरा नहीं कर सकती उसे चाहिए होता है कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो और ये है भी ऐसे क्योंकि कौम क्यों बनती है कौम एक कौम बनती किस तरह से है कलेक्टिव सिक्योरिटी के पेश नज़र इज्तमाही जरूरिया के पेश नज़र मजमू खतरात से निमटने के लिए दुनिया एक ग्लोब बनी हुई है ठीक है ना और ये आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड है कि ये अपने तमाम तर ज़रूरियात को नहीं पूरा कर सकती वो तमाम तर अपने जो खतरात है उसका सामना अकेले नहीं कर सकती इसलिए तो यूनाइट नेशंस बना है इसलिए तो अकवाम मतहद बना है कि जितनी भी डिज़ास्टर्स होंगी जंग होंगी आफात होंगी उन सबसे निमटने के लिए तमाम ममालिक जो हैं वो आपस में अगर इतिहाद और इतपाक से रहेंगे एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लक़ात कायम करेंगे तजारत करेंगे तो इसी वजह से वो आगे बढ़ पाएंगे और अपने अवाम की खुशी के लिए और उनकी मफादात के लिए काम कर सकेंगे सो इसका मकसद ही है ये खारजा पॉलिसी की कि कोई भी मुल्क जो है वो दुनिया में अकेले अपनी ज़रूरियात माशी ज़रूरिया अकेले नहीं पूरा कर सकती और ये खारजा पॉलिसी होती है जो तयन करती है मीन जो तयन करती है तमाम किस्म के जो रिलेशन जो एक वो मुल्क चाहता है कि वो दूसरे बैनवा बरदारी से अपने तलुकत कायम करे और अपने शहरी के मफादात का तहफ़ कर सके सो so, जो अहम और जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मुल्क के खारजा पॉलिसी का वो ये होता है कि अपने मुल्की मफादात का तहफ़ करना उनका मकसद होता है खारजा पॉलिसी किसी भी मुल्क का डिपेंड करता है वो मतलब चीज पे डिपेंड करता है वो इनहिसार करता है इमरजिंग कंडीशन पे जो इमरजिंग कंडीशन इनहिसार होता है और जो माशी हालात होंगे उसके मुताबिक ही वो फिर आगे बढ़ पाएंगे और उसी के मुताबिक फिर वो फैसले होते हैं कि किस तरीके से मतलब उनको वो फैसले करने हैं इमरजिंग कंडीशन इन दर्ल्ड अराउंड इट बट आल्सो री एवेल्यूएशन ऑफ इट्स प्रायोरिटीज टू प्रिजर्व एन आर अटेन इट्स नेशनल इंटरेस्ट तो इस खारजा पॉलिसी इसका इन दुनियावी हालात पे होता है जिनके इर्द गिर्द होते हैं और उसी की बिना पे मुल्क ममालिक जो होते हैं वो फिर इन हालात का जायजा लेते हैं एवेल मीन जायजा लेते हैं और फिर अपने तरजीहात सेट करते हैं उन आलमी तनाजुर में दुनिया में जो चल रहा होता है उनके तनाजर में फिर वो अपने तरजीहत सेट करता है ये खारजा पॉलिसी के जो डिटर्मिनट्स हैं जो मकासद हैं ये चेंज होते रहते हैं कुछ परमानेंट होते हैं लेकिन साथ साथ कुछ आलमी जो ट्रेंड्स को देखा जाता है कि दुनिया क्या करने जा रही है जैसे एक टाइम पे दुनिया नेशनलाइजेशन की तरफ जा रही थी हम भी जा रहे थे जैसे अभी दुनिया प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है हम भी जा रहे हैं फ्री ट्रेड की तरफ जा रही हैं आज़ाद तजारत की तरफ जा रही है तो हम भी उधर जा रहे हैं तो बैनवाी ट्रेंड्स को देख के ही मतलब फिर जो कौमें होती हैं वो अपने मकासद सेट करती हैं और अपने मुल्की मफादात को हासिल करती हैं दस इन इंटरनेशनल रिलेशन देर इज नो एनिमी एंड नो फ्रेंड फॉर एवर सो तालुकात में ना ही कोई मुस्तकिल दोस्त दोस होता है ना कोई मुस्तकिल दुश्मन Nothing is permanent. कुछ भी मुस्तकिल नहीं होता बट ऑनली नेशनल मुस्तकिल चीज होती है वो कौमी मफादात होते हैं जो कि मुस्तकिल होते हैं वो जो चेंज नहीं होते सारे ममालिक कोशिश में लगे रहते हैं कि अपने कौमी मफादात का तहफ़ कर सके सो so, होप आप समझ गए होंगे कि एक मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है वो कैसे तब्दील होती रहती है वो बैन अवी तनाजर में तब्दील होती रहती है ठीक है जैसे कि एक टाइम पे अगर दुनिया की खारजा पॉलिसी ये थी कि जैसे वहाँ पे अफगानिस्तान पे जब अटैक हुआ था तो वेस्ट ने मगरबी ममालिक ने के और यूएस ने मिल के यहाँ से दुनिया में से जहादियों को मुसलमानों को कर, ट्रेन किया असलाह दिया अफगानिस्तान में जहाद कर पाया लेकिन जब उनकी जरूरत उनको खत्म हुई सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी गई तो फिर वही मुजाहिदीन उनके लिए टेररिस्ट बन गए तो फिर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए भी वो दहशत ही बन गए तो ये वो ग्लोबल आ, वो है पर्सपेक्टिव है जिसके तनाज में चीज़ें तब्दील होती रहती हैं और ममालिक जो हैं वो फिर अपना अपनी जो खारजा पॉलिसी है उनको बैन अवी तनाजर में तब्दील किया जाता है और प्रायोरिटीज़ को चेंज किया जा सकता है ओके ऑब्जेक्टिव्स और पाकिस्तान पॉन् पॉलिसी जो मकासद है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का वो पढ़ेंगे पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी पाकिस्तान एक जैसे आपको पता है इस्लामी नजरे की बुनियाद पे बना आइडियोलॉजिकल कंसड्रेशन एन नेशनल इंटरेस्ट फॉर टेकन इन अकाउंट वो लैंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ इट्स फॉरन पॉलिसी अच्छा हमें ये नज़रियाती जो ख्याल है ये रखना होता है और कौमी मफादात का ख्याल रखना होता है जब हम अपनी खारजा पॉलिसी की बुनियाद को तश्कील देते हैं जब हम अपनी खारजा पॉलिसी तश्कील देते हैं ना बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं नज़रियाती और हमारे जो कौमी मफादात हैं उसका हम ख्याल रखते हैं टेकन इंट अकाउंट मीन ख्याल रखना और इसके मुताबिक ही फिर हम अपनी खारजा पॉलिसी तश्ील लेते हैं फॉलोइंग दबजेक्टिव ऑफ पाकिस्तान प्राउंड पॉलिसी दर्जा झेल जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम निकात हैं या मकासद हैं नंबर वन आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन एशनल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी और इकनॉमिक डिवेलपमेंट नंबर वन इज नेशनल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी कौमी सालमियत और तहफ़ सो so, पहला जो मकसद है हमारे खारजा पॉलिसी का वो है कि नेशनल एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो कौमी और इलाकई सलामती है ये बुनियादी मकसद है पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी का पाकिस्तान हैज़ गिवन प्रसी टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान ने हमेशा अपनी कौमी सलामती को अवलीत दी है प्राइमेसी मीन अवली इट्स रिलेशन विद अदर स्टेट्स दूसरे रियासतों के साथ तल्लत बनाते वक्त पाकिस्तान रिस्पेक्ट्स सिक्योरिटी ऑफ अदर कंट्रीज़ पाकिस्तान दूसरे ममालिक सलामती का ख्याल रखता है इज़्ज़त करता है और दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करता है सेम फ्रॉम देम कि वो भी उनकी आ, सलामती का और उनकी सबरनिटी का उनकी सालमियत को उनकी ख़ुद मुख्तारी का ही इज़्ज़त करे सो so, कौमी सलामती और तहफ़ जो है वो पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी का अहम आ, मकसद है और ये कि अवलीयत हमेशा पाकिस्तान देता है ममालिक के साथ ताल्लुक में अपनी नेशनल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को इसके बाद ही वो तल्ल के बारे में सोचता है पाकिस्तान जो है उसने हमेशा उसके कभी इल डिज़ाइन नहीं रहे कभी एग्रेशन की पॉलिसी शो नहीं की कभी किसी मुल्क पर अटैक नहीं किया कभी नहीं चाहा कि किसी मुल्क को नुकसान पहुँचाए सो हम चाहते हैं पाकिस्तान चाहता है कि हम इज्जत करें दूसरे माल ममालिक सलामती की और उनकी ख़ुद मुख्तारी की और उनसे भी यही तो रखते हैं कि वो पाकिस्तान से कि इज़्ज़त करे और इसकी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के अहतराम करें सेकेंड नंबर पॉइंट आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन जो नज़रियाती तहफ़ है जैसे कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है सो इसके जो नज़रियाती सूल हैं और सरहदात हैं इस ये बड़ा आम है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में क्योंकि जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान की है वो इस्लाम में रूटेड है उसकी जड़ इस्लाम में है और इस्लामी ममालिक रखना उनके साथ अच्छे ताल्लक़ रखना ये खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में मरकज़ी आ, रुकन की हैसियत से है वहाँ पे कि ये अहम चीज़ है कि सबसे पहले आप मुस्लिम के साथ अच्छे तल्लत कायम करोगे क्योंकि हम एक इस्लामी नजरिया मुल्क हैं पाकिस्तान है इस कॉन्सेंटली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ओ आई सी एंड एकनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गनइजेशन ई सी ओ ठीक है सो इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम ममालक के दरमियान इतिहाद के लिए और रवाबत बढ़ाने के लिए मुख्तफ़ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा है आज भी है जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ठीक है जिसमें सारे इस्लामी मुमालिक शामिल हैं ये एक प्लेटफॉर्म है मुसलमानों के लिए और जो कि 1969 में तरतीब दी गई थी बनी थी और मतलब आज ये हमारे जो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनको जो भी मसाइल का सामना होता है वो ओ आई सी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाता है हम इसका हिस्सा बन गए थे नाइनटीन सिक्सटी नाइन ही में फिर इकनॉमिक कोपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ई सी ओ है ठीक है माशी आ, एक तान बरए तरक्की के लिए है ये तंजीम है ठीक है पाकिस्तान ईरान और तुर्की के दरमियान ये बना था ठीक है और इसका मकसद क्या था कि मुसलमान मालिक के दरमियान जो भी रवाबत है उसको बढ़ाया जाए जो माशी तरक्की है उसका उसूल किया जाए ओके देन कम्स इकोनॉमिक डिवेलपमेंट जो माशी तरक्की है ठीक है सो so, माशी तरक्की भी किसी भी मुल्क के लिए अहम जुज का हैसियत रखती है माशी तरक्की होगी तभी आगे तरक्की मुमकिन हो सकेगी तभी आगे तालीम के बारे में सेहत के बारे में सोचा जा सकता है सो so, सब सबसे पहले जो अहम चीज़ है वो इकनॉमिक डिवेलपमेंट है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सो so, ये इकनॉमिक डिवेलपमेंट पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी का एक तीसरा मकसद है बींग डिवेलपिंग नेशन ठीक है एक तरक्की पजीर मुल्क होने के नाते तरक्की माशी तरक्की किसी भी मुल्क की लिए एक प्रायोरिटीज होती है एक क्या होता है प्रायोरिटी होती है तरजीहात में से होता है ठीक है ना सो पाकिस्तान वांट्स टू हैव बेटर रिलेशन विद कैन हेल्प टू अचीव दिस ठीक है पाकिस्तान ने हमेशा चाहा है कि वो अच्छे ताल्लुकात करें उन ममालिक दोनों तिजारती और मददगार साबित हो इन रिसे पॉलिसी कीपिंग इन देंड ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन फ्री ट्रेड एंड प्राइवेटाइजेशन टू गेट मैक्सिम बेनिफिट रीसेंट हाल ही के ईयर्स में सालों में पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को बैन अवी ट्रेंड्स को देखते हुए ठीक है बैन अवी तब्दीलियों को देखते हुए हमने अपनी खारजा पॉलिसी तश्कील दी जहाँ पे माशी आज़ादी आज़ाद तजारत और निचकारी के अमल को हमने इंट्रोड्यूस कराया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाद हासिल करे सारी दुनिया में स्टूडेंट जब माशी तरक्की होती है ठीक है और आज़ादी होगी टैक्स फ्री वहाँ पे ट्रेड होगी फ्री ट्रेड होगी प्राइवेटाइज़ेशन होगी निचकारी होगी सरमाकारी के लिए अच्छे अच्छा माहौल होगा तो वहाँ पे लोग ज़्यादा आते सरमाकारी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क को फ़ायदा होता है तो ये हम चीज़ है कि हम इस पर काम करें और पाकिस्तान अपनी माशी तरक्की के लिए ज़रूर जो बैन अवी ट्रेंड्स हैं बैन अवी तनाजर में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं माशी हवाले से उससे हम फ़ायदा उठाएँ ठीक है स्पेशली जैसे चाइना अब कर रहा है सारी दुनिया में बिल्कुल माशी क़वत बन के उबर रहा है हमें उसके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए और उनके साथ फ्री ट्रेड पर गौर होना हो रहा है और करना चाहिए ठीक है सी पैक जो एक प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ठीक है और हमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन फ्री ट्रेड की तरफ जाना चाहिए निचकारी को हर हाल में हमें आ, करना चाहिए ताकि अच्छे फ़वाद हासिल हो इसकी और मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बड़े इन्वेस्टमेंट आए सो दिस वॉज ब्रीफ